फेस पर बार बार हाथ नहीं लगाना चाहिए कि गंदगी का एक कारण है कि हमारे फेस पर पिंपल्स हो जाते हैं। बहुत से लोग ऐसी गलतियां करते हैं कि जस्ट बाहर से आए और अपने फेस को वॉश कर लिए। मैंने भी ऐसी करी है, मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं बहुत ही स्टेप बाय स्टेप आपको डिटेल से बताने वाली हूँ, तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो आप बिल्कुल ना घबराएं। अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो टाइम निकाल कर ही वीडियो देखें, बल्कि आप स्किप कर करके वीडियो देखोगे तो आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला है। आप ये वीडियो ना ही देखो तो सही है। सो हेलो गाइस, दिस इज शिवानी वर्मा एंड यू वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में ये आया था कि बहुत सारे पिंपल्स हो रहे हैं तो मैं क्या करूं, तो मेरा इसी टॉपिक पे आज वीडियो है कि चेहरे पे बहुत सारे पिंपल्स हो रहे हैं, चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो, तो क्या करें। तो मैं आपको बहुत सारे इजी टिप्स बताने वाली हूँ, क्योंकि ये पिंपल्स के जो प्रॉब्लम होते हैं बहुत ही नॉर्मल होते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल इजी स्टेप्स बताऊंगी, इजी होममेड रेमेडीज बताऊंगी और कुछ क्रीम्स वगैरह भी बताऊंगी जो आपके बजट में हो, जो आप जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो आप बाय कर सकते हो या यूज कर सकते हो या बना सकते हो। तो वीडियो को पूरे एंड तक देखना। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारे जो पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, गर्ल्स को भी होती है, बॉयज को भी होती है, ये हमेशा टीनेजर से स्टार्ट होती है। मेरे भी हुए थे, सबके होते हैं, मैक्सिमम लोगों के होते हैं, बहुत ही रेयर केस में होता है कि किसी के नहीं होते हैं, बट मैक्सिमम बहुत से लोगों के होते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। भाई साहब सोच रहे होंगे कि ये चाय पीते पीते क्यों वीडियो बना रही है, तो मैं बता दूं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आजकल बहुत बिजी रहती हूँ। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे आप मुझे फॉलो करते होगे तो मेरी वीडियोस देखते होगे कि मैं कितना बिजी रहती हूँ और बहुत ही कम वीडियो इस टाइम बना पा रही हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि चाय पीते पीते ही मैं वीडियो बना लेती हूँ। पहले आपको क्या करना है कि अपने रूटीन में आपको पानी शामिल करना है। ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि पानी पीना चाहिए, तो आपको आपने कई लोगों से सुना होगा, यहाँ तक एक्ट्रेसेस भी यही कहती हैं कि आप पानी पीजिए तो ज़्यादा अच्छा दिखोगे। तो आपको पानी तो पीना है अगर आप चाहते हो कि आपकी पिंपल्स की जो प्रॉब्लम है वो कम हो, वो साफ हो जाए जल्दी, तो आप पहले जितना हो सके पानी पीजिए, ताकि इससे हमारा इंटरनल बॉडी जो होता है वो क्लीन होता है, जिससे कि गंदगी कम बैठती है और हमारे स्किन पर गंदगी भी नहीं दिखेगी। गंदगी का एक कारण है कि हमारे फेस पर पिंपल्स हो जाते हैं। आपको ऑयली फूड्स भी अवॉइड करने चाहिए, आपको ज़्यादा स्पाइसेस वाली फूड भी अवॉइड करनी चाहिए, आपको अपने फेस पर बार बार हाथ नहीं लगाना चाहिए। कितने लोग होते हैं नाखूनों से खुजली करते हैं या फिर ऐसे हाथों से फेस को छूते रहते हैं, या फिर बाल आता है आपका फेस पे, तो ये सब गलतियां बिल्कुल भी ना करें। अगर आप कहीं बाहर जाते हो तो बाहर नॉर्मल सी बात है, आपको पता होगा कि हमारी स्किन पे बहुत सारे डस्ट बैठ जाते हैं, धूल मिट्टी या कुछ भी होता है, तो हम रास्ते में बहुत सारी ऐसी चीजें भी पड़ती है जहाँ से बहुत गंदगी फैली रहती है। तो आपको जब घर आना है तो आपको अपने स्किन को वॉश कर लेना है, जस्ट वॉश नहीं करना है, थोड़ा टाइम 20-30 मिनट बाद रुक के वॉश कर लेना है। बहुत से लोग ऐसी गलतियां करते हैं कि जस्ट बाहर से आए और अपने फेस को वॉश कर लिए। मैंने भी ऐसी करी है, मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ। मैंने खुद गलती करी है, मैं जब भी कॉलेज से पढ़ के आती थी तो अपने मैं फेस को वॉश कर लेती थी जस्ट आते ही, तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप जिस भी बेड पे सोते हो, आपकी जो पिलो कवर्स हैं, बेडशीट कवर्स हैं, उसको एक हफ्ते में चेंज करते रहना है और एक हफ्ते से ज्यादा ऊपर नहीं रखना है, क्योंकि उसका भी असर हमारे स्किन पे पड़ता है कि हम 8-9 घंटे बेड पे रहते हैं, पिलो से हमारा फेस चिपका रहता है, तो उसका इफेक्ट हमारे बॉडी पे बहुत पड़ता है, हमारे स्किन पे, तो आपको उसे टाइम टू टाइम वॉश करते रहना है, क्लीन करते रहना है। ये तो मैंने बता दिया कि आपको क्या अवॉइड करना है, आपको कैसे रहना है आपके स्किन के साथ। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने पिंपल्स को कम करने के लिए क्या क्या रेमेडीज, होम रेमेडीज यूज कर सकते हो। बाद में आपको मैं कुछ क्रीम्स और क्रीम वगैरह सजेस्ट कर दूंगी।
गर्ल्स हो या बॉयज हो, आपके बहुत सारे स्किन पे पिंपल्स हो गए हैं, हट नहीं रहे हैं, तो उसे आपको टच नहीं करना है, बिल्कुल भी टच नहीं करना है। ना ही कितने लोग उसे फोड़ देते हैं, तो उसे फोड़ना भी नहीं है। नहीं तो उसका जितना जो आप फोड़ोगे, आप खुजलाओगे, आप टच करोगे, तो उसमें गाइस इतना इन्फेक्शन होता है ना। अगर आप यहाँ पे पिंपल है तो टच कर दिए, फिर कहीं और टच कर दिए तो वहां में पिंपल हो जाएगा। तो ये आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। सो गाइस, आपको पिंपल बहुत सारे हो गए हैं तो मैंने बता दिया आपको टच वच नहीं करना है, तो आपको उस पर सोप भी नहीं लगाना है। उसे फेस वॉश कर रहे हो तो आप जस्ट नॉर्मल वॉश से फेस वॉश कर लो, आपको यहाँ पे रगड़ना नहीं है, नहीं तो उससे पिंपल्स और बढ़ेगा। मैंने ये गलती करी है, आपको बता रही हूँ, आप ये गलती नहीं करना। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि अगर आपके पिंपल पे अभी कुछ नहीं करो, क्रीम वगैरह, सोप, फेस वॉश वगैरह कुछ यूज नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है कि तुलसी के पत्ते लेने हैं, उसको पीस लेने हैं अच्छे से, ज्यादा मात्रा में। और आप जब भी घर में रह रहे हो, अगर आप 24 घंटे घर में रह रहे हो, तो आप उसे दो टाइम यूज करो। दो टाइम यूज ऐसे करो कि आप दोपहर में फ्री होते हो काम हो करके, तो आप अपने फेस पर जहां जहां पिंपल है मोटी मात्रा में उसको मोटा मोटा लेयर बना के उसको छाप लो, जहां जहां पिंपल है तुलसी के पत्ते। गाइस तो ये आपको इजिली आपको मिल जाएगी, आप ये आपके घर में भी रहता है तो आपको वैसे कर लेने हैं, और कम से कम आधे घंटे के लिए रखने हैं। और मैक्सिमम आप जितना देर रखोगे उतना ही आपके पिंपल्स कम करने के लिए ये फायदेमंद होगा। अगर आप बिजी रहते हो, जैसे ऑफिस जाते हो, कॉलेज जाते हो, पढ़ने वगैरह कहीं भी बाहर जाते हो काम से, तो आप उसे रात में यूज करो। रात में ऐसे ही आपको यूज करना है, रात में आप जब भी सोते हो सारा अपना काम कर लेना है, और आपको जब सोते हो फ्री होके तो आपको मोटे मोटे लेयर में लगा लेना है जहां जहां आपके पिंपल्स है, देन आपको ये सुबह हटाना है। रात में तो रहने ही दो, छोड़ दो, क्योंकि रात में हम अपने स्किन पर जो भी लगाते हैं वो बहुत ही अच्छे से काम करती है। हमारा स्किन बॉडी उस टाइम रिपेयर होता है, तो हम अपने स्किन बॉडी के लिए रात में जो कुछ भी करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है हमें, और हमारी बॉडी और स्किन अच्छे से ऑब्जर्व भी करती है और वर्क भी करती है। तो अगर आप इसे दिन में दो बार भी यूज कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप एक बार भी यूज करोगे तो आपके लिए सही है। जैसे आपके पिंपल्स एकदम कम हो जाने वाले हैं, पिंपल एकदम खत्म हो जाने वाले हैं, और ये आपको अगर भरोसा नहीं है तो अगर आपके फेस पे पिंपल है तो आप ये जरूर करके देखो, और ये आपको 100% सही रिजल्ट मिलेगा। तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये मेरा बताया हुआ नुस्खा असर किया या नहीं किया। इसको आपको एक महीने भी लग सकते हैं, 15 दिन भी लग सकते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, इसको आपको यूज करते रहना है, क्योंकि आपको अपने पिंपल्स को जड़ से खत्म करना है तो ये आपको करना पड़ेगा। देन आपको क्या करना है कि पिंपल तो सारे इससे खत्म हो जाने वाले हैं, दब जाने वाले हैं, देन उसके बच गए जितने मार्क्स, तो उसके लिए क्या करना है, बिगेस्ट प्रॉब्लम है ये सबके लिए। मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि पिंपल्स तो चले भी जाए बट उसके दाग जल्दी नहीं जाते, तो उसके दाग के लिए भी मैं बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो गाइज आपको क्या करना है कि बेसन तो आपके घर में नॉर्मली मिल जाएगा आपके किचन में, तो आपको उसमें कच्चा दूध लेना है। आप सबके घर तो दूध आता ही होगा, तो आपके घर जब भी दूध आता है तो कच्चा दूध ले लीजिए, रॉ मिल्क, देन उसमें बेसन डालिए थोड़ा सा, और रेगुलर अपने स्किन पर उसको यूज कीजिए। चाहे आप मॉर्निंग में कीजिए, चाहे आप दोपहर में कीजिए, या फिर नाइट में कीजिए, बट एक टाइम तो कीजिए ही, उससे आपके दाग धीरे धीरे जाने लगेंगे। दूसरा आपको ये करना है कि अगर आप बेसन का नहीं कर पा रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो आपको ये करना है कि रॉ मिल्क आता होगा आपके घर कच्चा दूध, तो उसका थोड़ा सा कॉटन में डैप कर लेना है, देन अपने फेस पर पूरा अच्छे से मसाज कर लेना है। मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हुई है, तो आप लोग चेक कर सकते हो मेरे चैनल पे, उसका मैंने बेनिफिट्स भी बताया है बहुत सारा है, तो आप लोग देखो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि आप जब भी मॉर्निंग में उठते हो तो आपको क्या करना है,
जैसे कि आप ऑफिस जाते हो, कॉलेज जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो आपको क्या करना है, सुबह में एलोवेरा जेल लेना है। अगर आपको किसी किसी को पौधे वाला एलोवेरा सूट कर जाता है, बट किसी किसी को बाहर जो मिलता है शॉप पे वो वाला सूट कर जाता है। मुझे जो बाहर मिलता है मैं खरीद के लाती हूँ, नेचर्स का एलोवेरा जेल सूट कर जाता है, किसी को पतंजलि का एलोवेरा सूट कर जाता है। ये तीनों में से आपको जो सही लगे, आपको जो सूट करता है, उसे आप मॉर्निंग में डेली लगाया करो। और लगा के जैसे फेस वॉश कर लिया और उसे लगा के छोड़ दो, फिर उससे सूख जाने के बाद उसे वॉश कर लो। देन अपना जो स्किन मेकअप वगैरह करते हो वो आप यूज कर लो। बट गाइज, आप जब आपका पिंपल्स ज्यादा हो या पिंपल्स के दाग हो तो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज नहीं करने हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए। एक मैं आपको होम रेमेडी स्क्रब बता देती हूँ, वो भी बहुत ईजी है। जो चावल का आटा होता है उसे आपको ले लेना है थोड़ा सा, और रॉ मिल्क ले लेना है, उन दोनों को मिला को आपको फेस स्क्रब करना है। फेस स्क्रब करना अच्छे से 5-10 मिनट तक, तो उससे भी आपका फेस क्लीन होगा और धीरे धीरे जो पिंपल के जितने मार्क्स हैं वो भी धीरे धीरे गायब होने लगेंगे। अगर आप मेरी वीडियोस देखते होगे तो आप लोगों को जरूर पता होगा कि मेरा फेवरेट नाइट स्केयर रूटीन में जो मैं जेल यूज करती हूँ जिसका नाम है एक्ने स्टार जेल, वो तो मेरे लिए रामबाण एक चमत्कार सा प्रोडक्ट है, मतलब गेम चेंजर प्रोडक्ट है। जब भी मैं उससे जब भी मुझे पिंपल्स होने लगता है, मतलब देखती हूँ कि एक दो दाने आने लगते हैं, तो मैं उसे रात को यूज कर लेती हूँ, तो सुबह में इंस्टेंटली वो गायब हो जाते हैं पिंपल्स। अभी यूज कर सकते हो, अभी ट्राई करो, बहुत ही अच्छा जेल है। सेकंड जो है ये आपका दाग हटाने के लिए पिंपल्स का, वो क्लिंडा केम ए है। तो गाइज अगर आप उसे यूज करते हो, दिन में 2 बार यूज करना, उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है एक्ने स्टार और क्लिंडा केम का स्पेशली पिंपल्स स्किन वालों के लिए, तो आप वो वीडियो मेरा जरूर जाके देखना, आपको बहुत ही हेल्पफुल हेल्प मिलेगी उस वीडियो से। सो गाइज, ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपके लिए ये हेल्पफुल है या नहीं, और आपको अगर इससे बेनिफिट हुई है या नहीं, जरूर ट्राई करो। जो जो मैंने इसमें बताया हुआ है सारा बहुत ही अच्छा है और बिल्कुल हाई फाई नहीं है, बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें मैंने बताई हुई है। अगर आप अपना पिंपल्स के दाग हटाना चाहते हो, पिंपल्स कम करना चाहते हो, पिंपल्स से परेशान हो गए, तो डोंट वरी, आप ये यूज करो और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको काम करा या नहीं आपके ऊपर। मेरी भी गाइज पिंपल्स की, वो सभी की लाइफ में होती है पिंपल्स को लेके स्टोरी, तो मेरे लाइफ में भी स्टोरी है पिंपल्स की। अगर आप उसे जानना चाहते हो कि मैं अपना डिटेल्स बताऊं कि मैंने अपने पिंपल्स को कैसे खत्म किया, कैसे ठीक किया पिंपल्स के, मेरे वो दिन मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी की लाइफ में आए, तो अगर आप मेरी की कहानी जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। अब मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ आपके लिए नया लेकर। आपको स्किन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर दूंगी अपने वीडियो के अकॉर्डिंग। सो वीडियो यहीं तक एंड होता है, होप यू लाइक दिस माई वीडियो। सो गाइज, अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और नाउ इट्स टाइम टू बाय बाय एंड टेक केयर।